आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश की एक ऐसी महिला का जिन्होंने कदम कदम पर भारत के सभी क्रांतिकारियों का साथ दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को पेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर दी फिलोसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाली क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गावती बोरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर थी। सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने की थी। तत्कालीन बम्बई के गवर्नर हैली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर सन 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के सहजादपुर नामक गांव में पंडित बाके बिहारी के यहां हुआ था। उनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और उनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिले में थानेदार के पद पर तैनात थे। उनके दादा पंडित शिवशंकर सहजादपुर में जमींदार थे, जो बचपन से ही दुर्गा भाभी की सभी बातों को पूर्ण करते थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही दुर्गा भाभी का विवाह लाहौर के भगवती चरण बोरा के साथ हो गया। दुर्गा भाभी के ससुर शिवचरण जी रेलवे में उच्च पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा के साथ विवाह हो जाने के बाद दुर्गा भाभी शीघ्र ही वह अपने पति के कार्यों में सहयोग देने लगी थी। उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था। वह सभी का आदर करती, स्नेहपूर्वक उनसे की सेवा करती थी, इसलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहने लगे थे और यही उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरा मोल लेकर कई बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सोंडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को कलकत्ता पहुंचाना। 19 दिसंबर 1928 का दिन था। भगत सिंह और सुखदेव सोंडर्स को गोली मारने के 2 दिन बाद सीधे दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। भगत सिंह जिस नए रूप में थे उसमें दुर्गा भाभी उन्हें पहचान नहीं पाई। भगत सिंह ने अपने बाल काट लिए थे। हालांकि दुर्गा भाभी इस बात से खुश नहीं थी कि स्कॉट बच गया, क्योंकि इससे पहले हुई एक मीटिंग में दुर्गा भाभी ने खुद स्कॉट को मारने का ऑपरेशन अपने हाथ में लेने की गुजारिश की थी, लेकिन बाकी क्रांतिकारियों ने उन्हें रोक लिया था। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और उसके चलते हुई मौत को लेकर उनके दिल में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। इधर लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। दुर्गा ने उन्हें कोलकाता निकालने की सलाह दी। उससे वक्त कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था और भगवती चरण बोरा भी उसमें भाग लेने गए थे। इधर 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर में जतिंद्रनाथ दास यानी जतिन दा की मौत हो गई, क्योंकि वह भूख हड़ताल पर थे। उनकी लाहौर से लेकर कोलकाता तक ट्रेन में और कोलकाता में भी अंतिम यात्रा की अगुवाई दुर्गा भाभी ने ही की। इधर उनके पति भगवती चरण बोरा ने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत सभी क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनाई और इसके लिए वह रावी नदी के तट पर लाहौर में बम का परीक्षण कर रहे थे। 28 मई 1930 का दिन था कि अचानक बम फट गया और भगवती चरण बोरा की मौत हो गई। दुर्गा भाभी को बड़ा झटका लगा, लेकिन वह जल्द ही उभर गई और देश की आज़ादी को ही अपने जीवन का आखिरी लक्ष्य मानने लगी। तब दुर्गा भाभी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसके लिए पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हैली पर हमला करने की योजना बनाई। दुर्गा भाभी ने उस पर 9 अक्टूबर 1930 को बम फेंक भी दिया। हैली और उसके कई सहयोगी घायल हो गए, लेकिन वह घायल होकर भी बच गया। उसके बाद दुर्गा भाभी बचकर निकल गई, लेकिन जब वह मुंबई से पकड़ी गई तो उन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बताया तो यह भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी वक्त में जो माउजर था वह भी दुर्गा भाभी ने ही उनको दिया था।
एक एक करके, जब सारे क्रांतिकारी इस दुनिया में नहीं रहे तो दुर्गा भाभी के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गई। बेटा भी बड़ा हो रहा था और पुलिस भी उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। लाहौर से उन्हें जिला बदर कर दिया गया। ऐसे में वह 1935 में गाजियाबाद निकल आई, जहां उन्होंने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। 2 साल के कांग्रेस के साथ भी काम भी किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर उन्होंने मद्रास जाकर मोंटेसरी सिस्टम की ट्रेनिंग ली और फिर लखनऊ में कैंट रोड पर एक मोंटेसरी स्कूल खोला, शुरू में जिसमें सिर्फ 5 बच्चे थे। आज़ादी के बाद उन्होंने सत्ता और नेताओं से काफ़ी दूरी बना ली। 1956 में वह जब जवाहरलाल नेहरू को उनके बारे में पता चला तो लखनऊ में उनके स्कूल में एक बार मिलने आए। नेहरू जी ने उनकी मदद करने की पेशकश भी की थी। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी ने विनम्रता से मना कर दिया था। दुर्गा भाभी को मोंटेसरी स्कूलिंग सिस्टम की शुरुआत लोगों में गिना जाता है। मीडिया और सत्ताधीशों को दुर्गा भाभी की आखिरी खबर 15 अक्टूबर 1999 के दिन मिली, जब गाजियाबाद के एक कमरे में उनकी मौत हो गई। तब वह 92 साल की थी। ये शायद उनके पति के विचारों का ही उन पर प्रभाव था कि पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले ही और इतने साहस के साथ गुजार दी और ना जाने कितनों को साहस से जीने की प्रेरणा दी। दुर्गा भाभी ने देश के लिए, उसकी आज़ादी के लिए अपने पति, परिवार, बच्चा और एक खुशहाल जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह से उन्होंने गुमनामी की चादर ओढ़ी और खुद को बच्चों की एजुकेशन तक सीमित कर लिया, वह वाकई हैरतअंगेज था। शायद ये उनके सपनों का भारत नहीं था जैसा उन्होंने कभी कल्पना की थी। अगर आपको देश की इस महान क्रांतिकारी महिला दुर्गा भाभी की जिंदगी से जुड़ा सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।